हमारे चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइल एलानाइन एंड टायरोसिन। तो वो जो हमने पहले पिछली वीडियोस में जो कैटाबॉलिज्म पढ़ा था फिनाइल एलानाइन और टायरोसिन का, उसी के जो है आज हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या क्या उसमें जो है हम बीमारियां हो सकती है, तो उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री में जो थर्ड यूनिट है सेकेंड सेम में उसका जो है टॉपिक है। अब इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जो है हम दो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, एक तो है फिनाइल किटोन्यूरिया और दूसरा है एल्बिनिज्म। तो जनरली फिनाइल किटोन्यूरिया जो है वो जनरली क्या होता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है फिनाइल किटोन्यूरिया मतलब फिनाइल एलानाइन से जो है रिलेटेड है। अब इसमें जो है जनरली हम इसकी जनरल अगर 2 मार्क्स में अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए कि फिनाइल किटोन्यूरिया जो है वो क्या होता है, तो हम उसमें जो है लिख सकते हैं सिर्फ कि ये जो है वो एक एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होती है वो इसमें जो है इसमें डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानाइन होता है वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। हमने पिछले वीडियो में जो है कैटाबॉलिज्म में पढ़ा था, सबसे पहले जो फिनाइल एलानाइन होता है वो जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। तो इसमें जो है ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो वो फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसकी वजह से फिनाइल एलानाइन की वजह से जो है ये डिजीज हो जाती है हमें फिनाइल किटोन्यूरिया। तो इसमें शुरू से अगर हम पढ़े तो ये जो है वो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और रेयर होता है, वो ज्यादातर ये डिसऑर्डर जो है वो नहीं होता। और किससे होता है, फिनाइल एलानाइन से होता है, जहां पे फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जीन जो होता है उसमें डिफेक्ट होता है। यहाँ पे हम एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं, उस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, और ये जो है कंजेनिटल डिजीज होती है, और इसे ऑरिक नाम से जाना जाता है जो कि होता है फिनाइल पाइरुविक ऑलिगोफ्रेनिया। और इसमें ये जो जीन होता है इसमें डिफेक्ट होने की वजह से ये जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को, क्योंकि ये जो जीन होता है वो बनाने में हेल्प करता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो इसकी वजह से ये जो है बन नहीं पाती एंजाइम, और उसकी वजह से जो फिनाइल एलानाइन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है टायरोसिन के अंदर। उसके बाद में ये जो है वो टायरोसिन के अंदर ब्रेक डाउन होने के बजाय ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पाइरुविक, फिनाइल लैक्टिक और फिनाइल एसिटिक एसिड में, जो कि जो है फर्दर मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें इस डिसऑर्डर्स की, तो इसके सिम्टम्स में आते हैं सीजियर्स मतलब मिर्गी के दौरे वगैरह जो है, न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम हो जाती है सिम्टम्स में, और ट्रेमर्स हो जाते हैं कहीं पे, जो है स्टंटेड ग्रोथ जो है वो हो जाती है छोटे बच्चों में, मतलब ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है, छोटे रह जाते हैं, और स्किन की जो है वो कंडीशंस, स्किन में जो है थोड़ी इरिटेशन हो जाती है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, और फॉल स्मेल और ऑडरस नेचर आता है, मतलब जो यूरिन पास आउट होता है उसमें जो है बदबू आती है, उसमें ऑडरस ऑर्डर जो है वो अच्छी नहीं आती है। और ये जो कंडीशन होती है वो ज्यादातर जो इनबॉर्न एरर होते हैं, मतलब ये जो है वो चिल्ड्रन में होती है ज्यादातर, मतलब जो पैदा होते हैं बच्चे उनमें ही जो है ये कंडीशन होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सो गाइज ये थे इसके सिम्टम्स, और इसके हम डेफिनेशन जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम जो है वो पढ़ेंगे एल्बिनिज्म के बारे में। सो गाइज अब हम जो है सेकेंड डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, एल्बिनिज्म के बारे में। एल्बिनिज्म में क्या होता है, जनरली इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो स्किन होती है कई लोगों की, हमने देखा होगा कि कई लोगों की जो स्किन होती है पूरी उसमें वाइट वाइट जो है पैचेस होते हैं कई जगह पे, और हेयर्स में भी जो है पिगमेंट कम होता है, मतलब ये सब पिगमेंट कम होने की वजह से होता है जो होता है मेलानिन नाम का। अब इसमें अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले इसके हम पॉइंट्स देखें तो ये जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड से जो है निकला है एल्बस से, जिसका मतलब होता है वाइट। इसके बाद में है एल्बिनिज्म जो है ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, मतलब ये जेनिटल डिसऑर्डर होता है, और कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस होती है इसमें पिगमेंट की, या तो बिल्कुल ही पिगमेंट नहीं होता या फिर बहुत ही ज्यादा कम पिगमेंट होता है हमारे स्किन में, आईज में और हेयर में। उसके बाद में ये जो होता है ये इस वजह से होता है कि इसमें कई जीन्स जो है
इसमें कई जीन्स होते हैं, इसमें एक जीन में जो है डिफेक्ट होने की वजह से ये जो है कंडीशन होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। अब ऐसे जीन जो कि प्रोड्यूस करते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेलानिन को, ऐसे जीन में जो है डिफेक्ट होती है और दैट इज ड्यू टू इरिटेबिलिटी टू कन्वर्ट डोपा टू मेलानिन। और मेलानिन की कमी जो है वो किस वजह से होती है, हमने मेलानिन के जो है फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जो डोपा होता है उसकी वजह से मेलानिन जो है वो फॉर्म होता है। तो इसके अंदर मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसकी कमी होती है, क्यों? क्योंकि जो डोपा होता है वो मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक मेलानिन का जो पिगमेंट का जो जीन होता है वो इसमें जो है डिफेक्ट होता है। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम्स इन द मेलानोसाइट सेल्स, और जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं उनमें टायरोसिनेज एंजाइम जो होती है वो भी जो है एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से डोपा जो है वो मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद में जो है हम देखें कि जो इसका डिफेक्टिव जीन होता है जिसकी वजह से एल्बिनिज्म होता है, वो जो जीन होता है वो दोनों पेरेंट्स से जब चिल्ड्रन में जाता है तभी ये जो है वो डिजीज होती है। तो वही है कि जो डिफेक्टिव जीन है दोनों पेरेंट्स से जब चिल्ड्रन में जाता है और उससे जो है वो एल्बिनिज्म होता है। और उसके बाद में हम देखें कि ये जो ज्यादातर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि विजन जो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे क्रॉस्ड आईज की जो है प्रॉब्लम आती है, और जो आईज होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है इस केस में। और अगर हम इसके आगे सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में फर्स्ट है कि है ना आईज हेयर और स्किन में या तो बिल्कुल ही नहीं होता पिगमेंट या फिर बहुत ही ज्यादा कम जो है ये वाला पिगमेंट होता है। सेकेंड है कि विजन प्रॉब्लम जो है वो भी आती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन। उसके बाद में है कि आईज जो है वो भी ब्लू रेड या फिर ब्राउन की कलर की जो है वो इसमें हो जाती है। और फिर फोर्थ है कि स्किन और हेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा डल पेल कलर की जो है वो हो जाते हैं एल्बिनिज्म में। उसके बाद में फिफ्थ है कि जो ब्राइट लाइट जैसे सन वगैरह जो इसकी ब्राइट लाइट होती है इनकी भी जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, फोटोफोबिया हो जाता है, ज्यादा जो है ब्राइट लाइट में नहीं जा सकते हैं ये लोग। उसके बाद में है कि इट इज लाइकली टू सन बर्न, मतलब ये सन बर्न सेल जो है वो ज्यादातर मिलता जुलता है कि हम ज्यादा सनलाइट में जो है वो इसमें नहीं जा सकते हैं। सो गाइज ये थी दोनों फिनाइलकेटोन्यूरिया और एल्बिनिज्म की जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि कैटाबॉलिज्म में आते हैं फिनाइल एलानाइन और टायरोसिन के। सो अब इसके बाद में हम जो है दो और डिसऑर्डर्स अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी and hit that bell icon to get notifications for my new videos.